ने पार्टी की नैया डुबा दी है। कांग्रेस नेताओं की जिद ने इस पार्टी का इतना बुरा हाल कर दिया है कि 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में सिमट कर रह जाती है। जिस पार्टी ने चुनावी रैलियों में दावे किए थे कि इस बार जनता सच का आईना बीजेपी को दिखाएगी, जो आईना बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस को दिखाया है, उसके बाद तो पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। ऐसी स्थिति के बीच में भी जब कांग्रेस के कई नेता जिद करते हैं, ऐसी शर्मनाक हार के बाद भी जब कांग्रेस के नेता पद को लेकर आपस में भिड़ते हैं, जनता हैरान होती है और पार्टी के हाईकमान परेशान। कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेसी खेमे में पैदा हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की जिद से परेशान हैं और ये परेशानी सिद्धू के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी सफर पर आपसे बात करेंगे और कैसे अब सोनिया गांधी सिद्धू पर बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं, कैसे सोनिया गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं, इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कह चुके हैं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, पार्टी मुझ पर कितना भी दबाव बनाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। सिद्धू को अगर बिजली विभाग दिया गया है तो उन्हें यही विभाग संभालना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अंतिम फैसला यही है, लेकिन इस फैसले को मानने के लिए सिद्धू तैयार नहीं है। 25 दिन बीत चुके हैं, विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ऐसी परिस्थिति के बीच में पंजाब में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसी खराब हालत को सुधारने का जिम्मा सोनिया गांधी ने ले लिया है। बता दें आपको, अब सोनिया गांधी पूरी फॉर्म में आ चुकी हैं। सोनिया गांधी अब इकलौती ऐसी शख्स हैं जो कांग्रेस को समेट सकती हैं। देश का सबसे बड़ा पुराना संगठन, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह जमीन पर बिखरी पड़ी है और इस बिखरी हुई पार्टी को समेटने के लिए जरूरी है नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जिद्दी नेताओं का यहां पर रवैया बदलना। इस बिखरी हुई पार्टी को समेटने के लिए, मरी हुई पार्टी को जिंदा करने के लिए जरूरी है यहां पर सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं के मन को बढ़ने से रोका जाए और ये बात आखिरकार पार्टी आलाकमान को समझ आ चुकी है और इसीलिए सिद्धू के विवाद में नया मोड़ आ गया है। सिद्धू पर फैसला जल्द आने वाला है। ये फैसला सोनिया गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों की मंजूरी के साथ होगा। अब ये फैसला सिद्धू की नींदें कैसे उड़ाएगा, देखिए जरा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की फील्ड में फंस चुके हैं क्रिकेट के मैदान और छोटे पर्दे के खिलाड़ी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के सामने अब जो स्थिति है उसको अगर नाम दिया जाए तो वो स्थिति दरअसल करो या फिर मरो की है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति का क्या होगा? बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस से जुड़ने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की अब रणनीति क्या होगी? सिद्धू और कैप्टन के बीच जो तनातनी जारी है, अब उसके आगे नवजोत सिंह सिद्धू पर कौन सा बड़ा फैसला लिया जाएगा? बता दे आपको, इस खास रिपोर्ट में आपसे सिद्धू के इस्तीफे पर, सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह के फैसले पर बात करेंगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए करीब 20 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। कैप्टन ने अहमद पटेल को साफ कह दिया है, मैं अपने फैसले पर डटा हूँ। कैप्टन ने साफ कह दिया है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के विभाग में दोबारा पार्टी बदलाव नहीं करेगी। कैप्टन साफ तौर पर कह चुके हैं सिद्धू को अपना अहम त्याग कर नए विभाग की कुर्सी संभालनी होगी या फिर मंत्री पद छोड़ना होगा। उल्लेखनीय है कि अपना विभाग बदले जाने से नाराज सिद्धू ने 10 जून को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही अहमद पटेल से मुलाकात की। विवाद की गंभीरता को समझते हुए राहुल ने अहमद पटेल को इस विवाद को निपटाने का जिम्मा सौंपा। 9 जून को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए सिद्धू का विभाग स्थानीय निकाय से बदलकर ऊर्जा विभाग कर दिया। अब महत्वपूर्ण ये है कि इस मसले पर रोजाना ट्वीट करने वाले सिद्धू पूरी तरह से शांत हो गए हैं।
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल से मुलाकात की तस्वीर को अपलोड करने के बाद सिद्धू ने कोई ट्वीट नहीं किया। और यहां पर जितने भी नए मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। सिद्धू को लेकर अब यहां सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं। एक तरफ सोनिया गांधी साफ तौर पर कह चुकी हैं दबाव बनाने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाएगी, और वहां दूसरी तरफ खुले तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं विभाग संभालना है तो संभालें, नहीं तो सिद्धू अपना पद छोड़कर जो चाहे वो कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी में जिस तरह से बगावत हो रही है, सोनिया गांधी से लेकर अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी, जिस तरह से सब सिद्धू के खिलाफ एक सुर में बातें कर रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर नजर आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सिद्धू को लेकर पार्टी के भीतर हालात जरा भी सामान्य नहीं है। अब ये खराब हालात सिद्धू की विदाई कांग्रेस से करा देते हैं। ये खराब हालात क्या नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर देते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त पर मिलेंगे। फिलहाल आपको बता दें, घमासान जारी है और विपक्षी दल इस पर लगातार चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं।